हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू वेलकम इन आवर चैनल ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। टुडे वी आर डिस्कसिंग विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बुक क्लास 11 ओवन वर्ड्स चैप्टर 2 अ पेयर ऑफ मस्टाचस अर्थात एक जोड़ी मूछें। गेस द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द कंटेक्स्ट। जो इस कंटेक्स्ट में दिए गए शब्द हैं उनकी मीनिंग को देखिए। नोबेवी रिच ब्लू ब्लड आस्क सरली कमर्शियल बर्जेविस द ब्लफ ऑफ रास्कल गुड एंड चैटर्स इट इज से। देर आर वेरी ऑफ मस्टाचस वन इन माई कंट्री टू मार्क द बाउंड्री बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल। लेखक कहता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग मूछों को रखते हैं। बाउंड्रीज अर्थात एक प्रकार की अपने बीच में जो है दीवार बनाने के लिए वेरियस क्लासेस, बहुत सारी जो जातियों के बीच में लोग अपनी अपनी जातियों के बीच में अवरोध या दीवार बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की मूछों को रखते हैं। आउटसाइडर जो बाहर के लोग हमें थिंक्स इसके बारे में विचार करते होंगे, इट स्टूपिड, यह जो है मूर्खतापूर्ण है। टू ले डाउन नीचे रखना, आर रेदर वस्तुतः टू राइज ऊपर रखना। लाइन्स ऑफ डेमार्केशन अर्थात यह जो है अलग प्रकार की हो सकती है ऑफ दिस काइंड इस प्रकार से। बट वी आर नोटोरियस, हम लोग जो है पूरे संसार में जो है नोटेरियस हैं अर्थात नोटेरियस का मतलब हो गया कि अप्रसिद्ध है, संसार में हम लोग ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं। इन द होल वर्ल्ड स्टिकिंग टू आवर क्वीर वर्ल्ड कन्वेंशन, जो हमारे जो पुराने जो ख्यालात हैं उनसे चिपके हुए हैं। प्राइड एंड प्रेजुडियस गर्व और अभिमान के साथ, इवन एज ए चाइनीज, जैसा कि चाइनीज जो होते हैं अथवा आर द अमेरिकन अमेरिकन अथवा और फॉर द मैटर इस मामले में द इंग्लिश अंग्रेज एंड एट एनी रेट और दूसरे जो होते हैं उनकी तुलना में हम लोग जो है पुराने विचार के हैं, पुराने ख्यालात के हैं, पुरानी जो मान्यताओं को पकड़ के रखते हैं, ऐसा जो है लेखक कहना चाहता है। Some people may think it is easier and more convenient to wear permanent boundary lines. कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि बहुत आसान है and more convenient और बहुत ही सुविधाजनक है to wear permanent boundary lines. अर्थात जो है हमेशा के लिए जो है एक अवरोध उत्पन्न करके रखा जाए, एक बाउंड्री बना के रखा जाए। Like the moustaches, मूछों की तरह। Which only need a smear, जिसके लिए केवल जरूरत पड़ती स्मेयर ऑफ ग्रीस, कुछ ग्रीस लगाने की, टू कीप देम ब्राइट, उनको चमकाने की, एंड शाइनी, चमक दमकदार बनाए रखने के लिए उसमें जो है ग्रीस और क्रीम लगा के उसको चमका के रखते हैं। देन टू वेयर फ्रॉक पहनने के बजाय और कोट पहनने के बजाय स्ट्रिप ट्राउजर धारीदार पैजामा एंड टॉप पहनने के बजाय वे लोग मूछों को चमकाना ज़्यादा पसंद करते हैं। विच कंस्टेंटली नीड, जिसकी लगातार निरंतर टू बी लॉन्ड्रड एंड ड्राई क्लीन, लॉन्ड्रड अर्थात साफ सफाई करनी पड़ेगी और ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा कपड़े का। एंड द मेंटेनेंस ऑफ विच इज ऑलरेडी लीडिंग टू बैंक्रप्टी ऑफ द यूरोपियन रूलिंग क्लासेस, जैसा कि यूरोप में जो रहने वाले लोग हैं जो कि रूलिंग क्लासेस हैं अर्थात जो नगर के नहीं हैं, उपनगर के रहने वाले हैं, वहाँ जो है बैंक करप्ट हैं अर्थात बैंक से दिवालिया हो जाने के बाद भी जो है अपना वो मेंटेनेंस करके रखते हैं कपड़े को जो है बनाए रखना, क्योंकि वो उनके कपड़े से उनकी पहचान होती है। बेथ देम क्लाथ मेक द मैन, क्योंकि क्लाथ उन्हें कपड़ा है उनको आदमी बनाता है। बट लेकिन इट टू अस, हमारे लिए मूछें मेक द मैन, हमारे लिए मूछें जो है वो आदमी को बनाती है, आदमी की पहचान है। सो वी प्रेफर द ग्रीस स्टाइल ऑफ मूछ, इसीलिए हम लोग जो है उसकी प्रशंसा करते हैं
विभिन्न प्रकार की मूछों को रखने का या रखते हैं। तो मार्क द डिफरेंट इज बिटवीन द क्लासेज, जो अपनी क्लास अपनी जो जाति में अलग अलग धारणा को बनाए रखने के लिए। एंड वेरी यूनिक, और बहुत ही जो है यूनिक है, द्वितीय है एंड पोलिटिकल सिंबल, और इसका जो है एक पौराणिक या कवित्व है, सिंबल है, प्रतीक है। दे आर टू, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर इज ए फेमस लायन मोशेज, यहाँ पर जो है पसंद है, लोग बहुत पसंद करते हैं, फेमस है, प्रसिद्ध है, मोशेस लायन, शेर की तरह मूछ रखने वाले। द फेयर सम ऑफ स्टैंडिंग सिंबल, जिसमें जो ऊपर की तरफ मूछे उठी रहती है। ऑफ द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द रेले पेडेंट, राजा राजा के जो उत्तराधिकारी हुए होते हैं तो वो ऐसा रखते हैं। महाराजा, नवाब एंड इंग्लिश आर्मी, और अंग्रेज की सेना के जनरल। हु आर सो वेल, जो अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर द डिवोशन, अपनी जो श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, द किंग एम्परर, राजा और सम्राट के लिए। देन देयर इज ए टाइगर मोशेज, फिर उसके बाद जो है बाघ की तरह जो मूछों को रखना। द अनकैनी सेवरल पॉइंटेड मोशेज, वन बाई द ऑफ अनबेंडिंग अनचेंजिंग सर्वेबल फ्रॉम द रैंक ऑफ द, अर्थात गुरमा टाइप का जो है घुमावदार मूछे रखते हैं। फेडरल जेंट्री हु हैव नथिंग लेफ्ट बट प्राइड इन देयर ग्रेटनेस एंड अ फ्यू मोमेंट ईयर्स ऑफ द पास्ट ग्लोरी, ऐसा वह लोग करते हैं जो कि अपने पुरानी अवधारणाओं को, पुरानी बड़पनता को दिखाने का प्रयास करते हैं अपने, कि हम जो है बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़े राशि और जिम्मेदारी मौजे से आते हैं, परिवार से बिलोंग करते हैं। हॉनर एंड गारंटेड बाय द फॉर्मर एम्परर, अर्थात पुराने राजाओं, पुराने जो सम्राट हैं उनके जो है हम वंशज हैं। अ फ्यू गोल्ड ट्रिंकेट, और कुछ जो होते हैं वो सुनहरे जो है ट्रिंकेट, अर्थात हल्के फुल्के आभूषण वाले। हेलरीज मैन बाइट्स ऑफ लैंड, जिनके पास थोड़े आभूषण होते हैं और कुछ टुकड़े होते हैं जमीन के। नेक्स्ट देयर इज ए गॉट मसेज, अगली जो मूछ होती है वह बकरी के, बकरी की तरह वाली मूछ होती है। रेदर अनश्योर ब्रांड, जो इसका निश्चित ब्रांड होते हैं। वन बाई द न्यू रिचेज, जो नए वेले जो धनी होते हैं वह जो है इसको रखते हैं। द न्यू कॉमर्शियल, और नए व्यापारी अक्सर इस प्रकार की मूछे रखते हैं। द शॉपकीपर क्लास हु समहाउ डोंट बिलोंग एंड इंडिफरेंट इन लिटिन लाइन ऑफ द मूसेज, वहाँ जो कुछ आपके और शॉपकीपर अर्थात दुकानदार होते हैं जो ऐसी मूछों को रखते हैं। इट्स स्टीफ कैन टर्न अप एंड डाउन, उनकी जो नोक होती है मूछ की वो ऊपर नीचे हो जाती है। एंड डाउन एंड ओकेशन डिमांड, अपनी मांग के आधार पर। एंड सो द पावर ऑफ सम कोलेज आर ह्यूमिलिटी, वो अपनी शक्ति को दिखाते हैं, कुछ अपनी शक्ति को, कूलिंग और ह्यूमिलिटी को। आप प्रोस्पेरियस क्लाइंट, और धनी आदमी को, मेहमानवाज के लिए। देयर इज द चार्ली चैम्पियन मूसेज, वर्न बाय द लोअर मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास के मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो चार्ली एंड चैम्पियन मॉडल मूछों को रखते हैं। बाय द क्लर्क, क्लर्क एंड प्रोफेशनल मैन, जो पेशेवर लोग होते हैं। काइंड ऑफ हाल्फ एंड हाल्फ अफेयर, आधा जो ऊपर से कटा के आधा सादा और आधा नुकीली मूछे। डिलीवरेटी डिजाइन एंड कंप्रोमाइज बिटवीन द ट्रेडिशनल फुल मूछेज एंड देन क्लीन शेव कर्जन स्कर्ट ऑफ द सेवेड साहिब्स लाइक देम के मूछेज एट ऑल। तो कुछ लोग जो है बीच का मार्ग को तलाशते हैं, अलग प्रकार की डिजाइन रखते हैं। बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड फुल मूछेज, पूरी मूछ रखने के बजाय वे क्लीन शेव रखते हैं, कर्जन कट हल्की फुल्की मूछ रखते हैं। साहिब लाइक द कीप मोस्टेज एट ऑल, केवल क्या पता चले कि हाँ हल्की हल्की मूछे हैं। देयर इज अ सी ऑफ द कॉलेज एंड द लोअर ऑर्डर, और कुछ जो होते हैं भेड़ों की तरह मूछे रखते हैं, कुली जो होते हैं एंड द लोअर ऑर्डर के जो लोग होते हैं। द माउस मोस्टेज, माउस जो चूहे की तरह मूछ रखने वाला, द पेशेंट्स किसान वगैरह एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के बहुत प्रकार के लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार की मूछों को रखते हैं अपनी जो है प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए, प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, समृद्धि को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की मूछों को रखने का विधान हमारे यहाँ लोगों में प्रायः पाया जाता है। इन फैक्ट सच में देयर आर एंडलेस स्टाइल, सच में जो मूछों की रखने की अनंत प्रकार की स्टाइलें हैं, शैलियाँ हैं, मस्टेचियर्स, ऑल अप्रोप्रिएट टू द वेयरर
एंड इंडिकेटिव द ऑफ द वेरियस ऑर्डर, और जो सारी जो होती हैं वो मूछ रखने वाले के ऊपर निर्भर करती हैं और उसको संकेत करती हैं कि वो आदमी किस प्रकार का है। एज ए राजरी सेड हेयर्स टू एज इफ दे हैड ऑल बीन पेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर हैड बीन सनेक्शंस बाय द स्पेशल अपार्टमेंट विथ हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन एंड ए पोचिंग ऑन द स्टाइल इफ ऑन क्लास बाय मेम्बर आई अनदर एज रेसेंटेड एंड द राइजिंग रेशियो ऑफ द मर्डर्स इन माई कंट्री इज इंटर Perturbed by certain authorities is being indicative of the increasing jealousy with which this class is guarding its right and privilege in regard to mark of the mischievous. इसमें जो कह रहा है लेखक की कई प्रकार की अनंत प्रकार की जो मूछें रखने की हैं विधियां हैं लोग हमारे समाज में, और जो जिसको मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो समाज के लोग हैं वह अलग अलग प्रकार की मूछों को रखते हैं। कुछ जो होते हैं राजा के या सर्व सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, रानी के जो सेवक होते हैं वो अलग प्रकार के रखते हैं, और अदर जो दूसरे होते हैं वह जो है जैसे मर्डरर है अपराधी किस्म के लोग हैं किलर किस्म के हैं वह अलग प्रकार के रोज वहाँ रखते हैं मूछें रखते हैं, जिनको देख कर जो है इंडिकेट किया जा सकता है पहचाना जा सकता है कि यह जो है आदमी अपराधी किस्म का आदमी है। ऑफकोर्स निसंदेह रूप से द एनालिसिस एक्सपर्ट इज रेदर टू एक्सट्रैक्ट एंड नॉट ऑल द मर्डर्स कैन बी एक्सट्रैक्ट टू द कास्ट, बट हर सारे मतलब इसका निसंदेह रूप से सारे अपराधियों को सारे जो किलर जो होते हैं हत्यारे हैं उनको केवल मूछों के आधार पर नहीं पकड़ा जा सकता है। सर्टनली निश्चित रूप से इट इज ट्रू सत्य है दैट द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल इन रिगार्ड टू देयर मशीन आर काजिंग अ लॉट ऑफ द ट्रबल इन आवर पार्ट्स, और यह भी सत्य है कि यह मूछों के कारण हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानी और दिक्कतें और कठिनाइयाँ लोगों के जीवन में आती हैं। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए देयर वॉज ए रूमर रम्स इन माई वन विलेज, एक जो है मेरे गाँव में एक ऐसा जो है रम्पस अर्थात अफवाह है कहानी है पुरानी जिससे कि पता चलता है कि मूछों के कारण क्या हो सकता है। इट सो हैपेंड दैट द सेठ रामानंद, ऐसा एक बार हुआ कि सेठ रामानंद नाम के एक व्यक्ति थे द ग्रासर एंड मनी लेंडर, जो कि किराने की दुकान थी और किराए में मतलब ऋण में रुपया देते थे उधार रुपया देते, हु हैड बीन डूइंग वेल आउट ऑफ द रिसेंट फॉल इन द प्राइस ऑफ द वीट बाय बाइंग अ फोल क्रॉप्स चीप फ्रॉम द हार्ड प्रेस पेशेंट एंड देन सेलिंग देम एट हायर प्राइजेज, वह क्या करते थे कि गरीब किसानों से जो है जब उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था तो उसे जो है सस्ते में गेहूँ और अनाज को खरीद लेते थे और फिर उसी गेहूँ को किसानों को जो है भारी दाम पर बेचा करते थे। टॉक इट इन टू हिज हेड टू ट्विस्ट द और ट्विस्ट अपनी मूछों को बकरी के समान ऊपर की तरफ नोकों को बढ़ाकर इंटीग्रल टू हिज ऑर्डर एंड पोजिशन इन सोसाइटी, अपनी जो समाज में जो स्थिति थी प्रतिष्ठा थी उसको दिखाने के लिए एट द टिप्स अपने टिप्स के द्वारा अर्थात अपनी मूछ के नुक के द्वारा सो इट्स लाख ने रिलाई के टाइगर में, वहाँ जो है लगभग टाइगर के समान मूछों वाली दिखता था जैसे टाइगर मूछ होती उस समान दिखने में लगता था। नो बॉडी सीम टू माइंड वेरी मच बिकॉज मोस्ट ऑफ देम मोस्ट इन आवर विलेज एंड बिहोल्ड द लोकल मनी लेंडर, हमारे गांव में जो है अक्सर जो है ऐसी इस प्रकार की मूछें नहीं रखते थे, हमारे गांव के अक्सर लोग जो है वो माउस क्वालिटी के रखते थे जो चूहे के तरह की मूछें होती तो ऐसी मूछों को रखते थे, केवल छोड़कर जो मनी लेंडर था उधार देना रुपया था वहाँ इस प्रकार की मूछें रखते आइदर बिकॉज इसको छोड़कर दे ओ हिम इंटरेस्ट ऑन ए लोन, जो लोन लेते थे यार एन इंस्टॉलमेंट ऑन द मोर्टेज ऑफ द ज्वेलरी आर लैंड, और जिसे वो धन लेता था जमीन को गिरवी रखता था इस प्रकार से। द सेठ हैड बीन केयरफुल इनफ टू टीच हिज मूछेस सो दैट सीम नियरली, तो इस प्रकार से बड़ा ध्यान देता था वहाँ सेठ जो है अपनी मूछों को हमेशा जो है रगड़ करके वो लपेट करके टाइट करके रखता था अपने ऊपर की तरफ। इट सीम्ड नियरली थ्रू द क्वाइट लाइक ए टाइगर, और देखने में जो है बाकी मूछों की जैसा लगता था। बट देयर लिव्स इन द सिटी इन आवर विलेज, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहते थे हमारे गांव में इन एन ओल्ड डिलेपेटेड मुगल स्टाइल हाउस, एक पुराने जो यथार्थवादी थे मुगल स्टाइल घर था, अब मुसलमान
मुसलमान था नेम्ड खान आजम खान, जिसका नाम आजम खान था, हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम द एंशियंट अफगान फैमिली हुज हेड वेयर नोबल मैन एंड काउंसिल इन द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल। वो ऐसा मानता था कि वहाँ जो है पुराने जो अफगान के जो मुगल सम्राट थे, राजा थे, उनकी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके जो पूर्वज थे वो बहुत ही श्रेष्ठ आदमी थे, काउंसलर थे, सुझाव करता थे दरबार में। अटल मिडिल एज्ड मैन, लंबा तगड़ा और मिडिल एज का आदमी था। इज हैंडसम सुंदर एंड डिग्निफाइड, बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था। एंड ही वेयर अ टाइगर मूछेस, वह जो है हमेशा अपने मूछों को जो है टाइगर के समान रखता था, टाइगर वाली मूछों को रखता था। एंड रेमेंड एडोर्ड विद द फेडेड रेमेंट एंड गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्ट कोट थ्रू ही हैजेंट इवन ए पैच ऑफ द लैंड लेफ्ट। वह जो है हमेशा जो है सुनहरे धार वाले गोल्ड वेस्ट कोट को पहनता था और थ्रू ही हैजेंट इवन ए पैच ऑफ लैंड लेफ्ट, हालांकि उसके पास अब जमीन का कोई भाग ज़्यादा नहीं बचा हुआ था। सम पीपल नॉट एवली द लैंड लॉर्ड ऑफ आवर विलेज एंड द मनी लेंडर, कुछ लोग हमारे गांव के जो जमींदार थे और गांव के जो मतलब कि उधार देने वाला सेठ था उसके बारे में सोचते थे मेलिसियसली से, दुखी होकर कहते दैट ही इज एन इम्पोस्टर, और यहाँ बहुत धूर्त है। एंड दैट ऑल ही टॉक अबाउट हिज ब्लू ब्लड, ये जो भी बात करता है ये इसके खून में, इसका खून जो है गंदा है। इज मेरली द ब्लफ ऑफ रास्कल, यहाँ बहुत ही पाखंडी और दुष्ट है। अदर दूसरे कहते थे लाइक द फ्राइस्ट ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर का पुरोहित है, कंसीडर द एंसेस्टर वेयर सर्टेनली अटेंड टू द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल, कुछ लोग कहते थे कि जो मंदिर का पुरोहित वहाँ भी जो है पूर्वज उसके जो है निश्चित रूप से जो जुड़े हुए थे मुगल के दरबार में, बट एज ए स्वीपर, वहाँ जो स्वीपर की तरह काम करते थे। द लैंड लॉर्ड द मनी लेंडर एंड द प्राइस्ट आर द मैनिफेस्टो जियलियस ऑफ एनी वन लॉन्ग एनसेस्ट्री, तो जो मैनिफेस्ट अर्थात जो ईर्ष्या करते थे, मनी लेंडर जो था अर्थात जो धन देने वाला था, ऋण देने वाला जो आदमी था सेठ, और जो पुरोहित और जमींदार अक्सर जो है ऐसे आदमी से नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, जो कहता था कि उसके पूर्वज जो है वो राजा के महाराजा के वंशज है। बिकॉज दे हैव ऑल राइजिंग फ्रॉम नथिंग, क्योंकि वो लोग जो है सारे जो कुछ नहीं थे उससे उठे हैं, उससे आए हैं, अपने को किसी तरह ऊपर उठाए। एंड इट इज ऑब्वियस एंड स्पष्ट है फॉर द स्टेटली रोन्स अराउंड, कि स्टेटली जो राज्य स्तरीय रूप से वो बर्बाद हो चुका है लगभग। आजम खान ग्रेस वाज वंस हिज एंड हिज फादर फेयर, जो उसके पूर्वजों की देन थी वो सब लगभग खत्म हो। ओनली खान आजम खान प्राइड इज ग्रेटली इन एक्सेस इन द प्रेजेंट पोजीशन एंड ही इज द इनऑर्डिनेटली जेलियस ऑफ हिज ओन प्रिविलेज एंड द फुलिश एंड द हेड स्ट्रांग ऑफ द सेल्फ गार्डिंग एवरी सेक्रेट ड्राइव ऑफ हिज टोटरिंग हाउस इग्नाइज द बैंडलिज। हालांकि उसके पास कुछ, आजम खान के पास कोई ज़्यादा जमीन जायदाद तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही अभिमानी किस्म का आदमी था जो अपने वर्तमान की संसाधन पर भी बहुत ही साधारण रूप से जो है ईर्ष्या करता था। दूसरे जो विशेष प्रकार के आदमी थे और दूसरे मूर्ख किस्म के लोग थे, हेड स्ट्रांग मजबूत एंड सेफ गार्डिंग, उसे अपनी रक्षा करता देवरी सेक्रेट, अपने जो पवित्र उसकी जो पुस्तैनी जो चीज़ें थी उनको बरकरार रखने का वो प्रयास करता था। आप टोटरिंग हाउस, टूटे फूटे घर को बचाए रखने के लिए, एग्नाइज द वैंडलिज्म, अर्थात वो जो उसके खिलाफ़ जो भी लोग विचार करते थे या जो भी उसको कहते थे उसके खिलाफ वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था। खान आजम खान हैपन टू गो टू द मनी लेंडर, एक बार क्या हुआ, खान आजम खान जो है गया मनी लेंडर के पास उधार लेने के लिए उस सेठ के पास, या कुछ काम से गया। साफ टू पावर हिज वाइफ गोल्ड नॉइज रिंग्स ऑन मॉर्निंग एंड ही नोटिस द अपडार्जिंग टेंडेंसी ऑफ हेयर्स ऑन द रामायण ऑल इस वॉज मैड इन मनी लेंडर्स गॉड मोसेज लॉक ऑलमोस्ट लाइक हिज वन टाइगर मोसेज। वह जो है अपनी पत्नी के सोने की जो नाक की नथनी होती है उसको लेकर गया था सेठ के पास उसको गिरवी रखने के लिए, और जब तब उसने जाकर देखा कि रामानंद का जो सेठ था जिसका नाम रामानंद था उसकी जो मूछे थी, मूछे जो ऊपर जो थी बकरी स्टाइल जो थी, लेकिन वह दिखने में जो है टाइगर स्टाइल लग रही थी, जिसको देख कर वहाँ जो है पिरक गया। सिंस वेन हैव ए लेंटिलेटिंग शॉप कीपर बिकम नोबल मैन ही आस्केड सियरली, निश्चित रूप से जो है दुबला पतला जो शॉप कीपर दुकानदार था नोबल मैन श्रेष्ठ आदमी, ही आस्केड सियरली, उसने निश्चित रूप से कहा
जानता कि आपका क्या मतलब है। रामानंद आंसर, यू नो व्हाट आई मीन, तुम्हारा मतलब क्या है मैं जानता हूँ। सीड ऑफ डंकी, गधे के बच्चे। सैड द खान खान ने कहा, लुक एट द वे यू हैव टर्न द टिप ऑफ योर मॉस्चेज अपवर्ड, तुम अपनी मूछों को देखो, तुमने मूछों की नोक को ऊपर क्यों उठा के रखा है। इट ऑलमोस्ट लाइक माई टाइगर, यहाँ जो है लगभग मेरे जो है टाइगर की मूछों के समान दिखती हैं। टर्न द टिप डाउन, इसको नीचे करो, टू द स्टाइल प्रॉपर टू द गोट, इसको नीचे की तरह जो प्रॉपर सही उपयुक्त स्टाइल है, शैली है बकरी की मूछ की, दैट यू आर, जो तुम हो। फैंसी द एरिज ऑफ द पीपल नाउ डेज, जो बन गया है लोगों का आज के समय का जो आकर्षण बन गया है। ओह खान डोंट गो सो एक्साइटेड, सैड द मनी लेंडर, मनी लेंडर ने कहा कि इसके लिए ज़्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है खान, इसको ज़्यादा ध्यान मत दो। हु वॉज नथिंग इफ ही वॉज नॉट अमेंडेबल, जो कुछ नहीं है या जो सुधारने योग्य नहीं हो। हैविंग बुल्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑन द मैक्सिम दैट द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, हैविंग बुल्ट ऑफ है बिजनेस, अर्थात अपने व्यापार को करो एंड मैक्सिमम, जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और कस्टमर हमेशा ठीक होता है। आई टेल यू, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, टर्न द टिप ऑफ योर मॉस्चेज डाउन, अपनी जो मूछ की नोकों को नीचे करो। इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर तुम अपने जीवन की कीमत समझते हो। रेज्ड क्रोध आजम खान, क्रोधित होकर आजम खान ने कहा, इफ दैट इज ऑल ट्रबल, अगर यह सारी जो है परेशानियाँ, हेयर यू आर द सैड रामानंद, रामानंद ने कहा, बर्स्टिंग क्रोधित हो एन एंड ऑफ द मोसेज विथ हिज ऑयली हैंड्स दैट ड्रॉप्ड लाइक ए डेड फ्लाई, तो जो गा उसने कहा, यदि तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो ले देखो मैं इसको नीचे कर, उसने अपने तेल लगे हाथों से अपनी मूछों को धीरे से नीचे कर दिया एक तरफ से, लाइक जैसे कि मरी हुई तितली हो, तितली की तरह मरी हुई मक्खी हो उसके सम कम सो में। दैट्स हाउ मच डू यू वॉन्ट टू देम, और दिखाओ अपने जो हल्के फुगले फुलके आभूषण हैं और तुम उनके लिए क्या चाहते हो। नाउ दैट खान आजम प्राइड वॉज अपीज्ड, अब जो आजम खान की प्राइड जो अभियान था, गर्व था, वह थोड़ा सा उत्साहित हुआ। ही लाइक सॉफ्ट वर्क्स, वहाँ जो है मुलायम मोम की तरह हो गया। इन द मर्चेंट्स श्योर हैंड, व्यापारी के निश्चित हाथों में। हिज नीड एंड द नीड ऑफ हिज फैमिली, उसकी आवश्यकता है और उसके परिवार की आवश्यकता है फास्ट फूड भोजन के लिए। वाज ग्रेट, बहुत बड़ी थी। एंड हम्बल ही हम्बली एक्सेप्टेड, उसने विनम्रता से स्वीकार किया। द वैल्यू हिज द मनी लेंडर पुज पुट ऑन हिज वाइफ्स नोज रिंग, जो उसने कीमत दिया मनी लेंडर ने उसके पत्नी के रिंग नाक की नथनी का। बट एज ही वाज डिपार्टिंग, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा आफ्टर नेगोटिएटिंग, बातचीत करने के बाद हिज बिजनेस, अपने व्यापार की, ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, दैट थ्रू वन एंड ऑफ द मनी लेंडर मोशियस हैड कम डाउन एट हिज बेस्ट, अभी जो है अभी भी उसकी जो मनी लेंडर जो था उसकी मूछ की एक तरफ का जो नोक था ऊपर की तरफ उठा हुआ था, जिसको देख कर वह भड़क गया। दादा रिंड वाज स्टील अप, अभी तक ऊपर ही था। स्वाइन द खान सेड, खान ने कहा कि उल्लू मूर्ख, तुमने मेरे साथ चाल चली है। आई हैव पेड यू द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर ट्रिकेट, खान रामानंद ने कहा, व्यापारी ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दिया है तुम्हारे जो हल्के फुल्के आभूषण का। एंड मनी लेंडर विल पे इन दिस पार्ट, कोई भी जो मनी लेंडर होगा इसी प्रकार से तुम्हें देगा। ही सैड स्पेशली, विशेष रूप से इन दिस डे, इन दिनों, वेन द सरकार ऑफ द होल वर्ल्ड, विश्व की जो सरकार है, थ्रेटिंग भयभीत है टू गो ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि जो सोने का स्तर हो नीचे गिरता जा रहा है। इट हैज नथिंग टू विद द टिंकल, इस टिंकल के साथ अर्थात इस हल्के फुल्के आभूषण के साथ और कुछ नहीं किया जा सकता। सैड आजम खान, आजम खान ने कहा, बट लेकिन वन एंड ऑफ योर मूछ इज स्टील अप, अभी तक तुम्हारी मूछ की जो एक ऊपर की नोक है वो उठी हुई, लाइक माई टाइगर मूछ, मेरे जो बाघ के समान मूछों की तरह। थ्रू यू हैव ब्राउट डाउन द अदर टू योर प्रॉपर गोट स्टाइल, यद्यपि तुमने अपने एक तरफ की मूछों को बकरी नुमा बना लिया है, नीचे गिरा दिया है। ब्रिंग द अदर इन डाउन, अपने जो दूसरी तरफ की मूछ उसको भी नीचे गिरा दो। आल्सो सो दैट देयर इज नो पैंग बाई योर मूछेज ऑफ माइंड, और तुम्हारी जो मूछ हमारी मूछ के समान नहीं होना चाहिए। नाउ खान सैड द मनी लेंडर, और मनी लेंडर ने कहा,
आई हम्बल माई सेल्फ बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस विद मी। मैं जो है आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ व्यापार किया है। यू कॉन्ट एक्सेप्ट मी टू बिकम मेयर। आप मुझे जो है केवल कायर न समझे। वन जस्ट बिकॉज यू हैव पाउंड अ टिकट विथ मी। क्योंकि आपने मेरे साथ जो है एक हल्का फुल्का गहना को व्यापार किया है। इफ यू आर रिप्लेसिंग सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी आई माइट कंसिडर ओबलाइजिंग यू लिटिल मोर। उसने कहा अगर आप कोई और कीमती आभूषण मेरे साथ बेचते हैं या मेरे पास देते हैं तो मैं आपकी जो आज्ञा है उस पर विचार करूँगा, थोड़ा और विचार को। एनी हाउ माई हम्बल मिल्क स्कीमर स्कीमर डजेंट लॉक बीट लाइक योर बेलियन टाइगर मुझे। उसने कहा कि किसी भी तरह से मेरी जो मूछें हैं वो आपकी मूछों के समान नहीं लगती हैं। बेयरिंग द टिप्स डाउन खान आजम खान रोड धाड़ते हुए आजम खान ने कहा अपनी मूछों की नोक को नीचे करो। फॉर द मोर ही हैड लॉक्ड द मनी लेंडर्स मूछे। जितना अधिक मनी लेंडर की मूछों को देखता था द एट मोर स्टील अप टर्न इट्स टिप्स सीम टू हिम लाइक एनी फोट एन एन इमिटेशन। और फिर जो हमसे लगता था कि वहाँ जो है उसकी मूछों नकल कर रहा है। नाउ बी सेंसिबल खान द मनी लेंडर सैंड। मनी लेंडर ने कहा कि थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। वेविंग हिज हैंड अपने हाथों को जोड़कर विथ हैंड इम्पेटरेबल खान शांति के साथ आई टेल यू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ टर्न दैट टिप डाउन आर आई शैल रिंग योर नेक। उसने कहा खान ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपनी मूछों को नीचे करो अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन को मरोड़ दूंगा। सैड द खान ऑल राइट द नेक्स्ट टाइम यू कम Do business with me, I shall bring that tip down, answered the money lender cunningly. धूर्ततापूर्व भाव से मनी लेंडर ने कहा कि अगली बार जब आप मेरे साथ धंधा करने के लिए आओगे तो मैं अपनी मूछों को नीचे कर लूँ। दैट्स फेयर सैड चौधरी छोटू राम द लैंड लॉर्ड ऑफ द विलेज। विलेज का जो गाँव का लैंड लॉर्ड था जमींदार था उसने कहा हाँ बहुत अच्छी बात कह रहा है चौधरी छोटू राम ने कहा। हुआ सीटिंग अंडर द ट्री अपोजिट सामने है जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। टू बी श्योर निश्चित सही कर रहे सम पेशेंट क्लाइम्ड इन द शिप इसलिए और दूसरे जो किसान थे उन लोगों ने कहा हाँ सच कह रहे हो। खान आजम खान मैनेज टू कंट्रोल हिज मर्डरियस इंप्लेस एंड वॉक अवे। खान आजम खान ने किसी तरह से अपने जो क्रोध को मतलब हत्यारे भाव को क्रोध करने के भाव को रोका और वहाँ से चला गया। बट ही कुड नॉट क्वेल हिज प्राइड लेकिन वह अपनी जो अभिमान को दबा नहीं सका। द प्राइड ऑफ जनरेशन अपनी जो पीढ़ियों का जो अभिमान और गर्व था ऑफ हिज एंसेस्टर पूर्वजों का हु हैड वॉर्न द टाइगर मूछेज एज मार्क देयर हाई पोजिशन। उसने जो टाइगर मूछ रखी थी अपने हाई पोजिशन को दिखाने के लिए रखी थी अर्थात वह जो है उच्च क्वालिटी का उच्च श्रेणी का आदमी है। टू सी द सिम्बल ऑफ हिज हॉनर इमिटेटेड बाई एन मनी लेंडर। जब उसने देखा कि उसके जो सम्मान का जो प्रतीक है उसका जो है अनुकरण कर रहा है मनी लेंडर अर्थात ऋण देने वाला व्यापारी। दिस वॉज टू मच फॉर यहाँ उसके लिए बहुत अधिक हो गया। ही वेंट एंड फेच द नेकलेस विच हैड कम डाउन टू हिज फैमिली। वहाँ जो गया घर और अपने निकाल कर ले आया अपने परिवार से जो बचे हुए गहने थे उन गहनों को थ्रू सेवन जनरेशन से बचा कर रखा था एंड प्लेसिंग इट बिफोर द मनी लेंडर और मनी लेंडर के सामने रख के कहा नाउ विल यू ब्रिंग द टिप ऑफ योर मूछेज डाउन। अब तुम अपनी जो मूछों को नीचे करो। बाई एल मेन आल मीन्स इसका मतलब है खान सैड द मनी लेंडर। मनी लेंडर कहा इसका मतलब यह है बट लेट अस सी अबाउट दिस नेकलेस। आओ मैं पहले देखता हूँ तुम्हारा नेकलेस कैसा। हाउ मच डू यू वांट फॉर इट इसके लिए तुम्हें कितना चाहिए। एनी प्राइस विल डू सो लॉन्ग एज यू ब्रिंग द टिप ऑफ योर मूछेज डाउन आंसर आजम खान। आजम खान ने कहा जो भी कुछ तुम दे दोगे मैं लूँगा लेकिन निश्चित रूप से तुम अपनी मूछों को नीचे करना पड़ेगा। टेल द बिजनेस वो अपने जो धंधे की बात करने के बाद मनी लेंडर सैंड मनी लेंडर ने कहा नाउ खान आई शैल कैरी आउट योर बिल। मैं तुम्हारी बात को ध्यान रखूंगा। एंड ही सेरेमोशनली ब्रश्ड द अपरोटिव ऑफ हिज मॉइस्चर डाउन। और उसने जो है बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ निर्लज्जता के साथ ब्रश डाउन अपनी मूछों को जो ऊपर की तरफ उठी तो उसे नीचे कर लिया। एज आजम खान वाज वॉकिंग अवे हाउएवर वहाँ से आजम खान जो चला गया हाउएवर ही नोटिस उसने ध्यान दिया द टिप ऑफ द मनी लेंडर मूछेज हैड नाउ गॉन अप एंड स्टूड डबली लाइक द अप टर्न इंड ऑफ हिज डाउन एग्जॉस्टेड टाइगर मूछेज। ही टर्न ऑन हिज फीट एंड शूटेड।
उसे अभी भी दिखाई दिया कि उसकी जो मूछें कुछ जो है टाइगर की तरह दिख रही थी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी थी। और वाके वापिस आके उसने कहा चिल्लाते हुए, आई शैल किल यू, मैं तेरी हत्या कर दूंगा इफ़ यू डोंट ब्रश द मूछेस इन टू द शेप ऑफ अप्रोप्रिएट टू योर पोजिशन एंड लैंडिंग एटिंग मनी लैंडर। उसने कहा जो तुम्हारी स्थिति है, जो समाज में तुम्हारे रुतबा है, उस रुतबा के अनुसार तुम अपनी जो है मूछों को रखो। पालक खाने वाले सौदागर, नाउ नाउ खान कम टू योर सेंस, थोड़ी बुद्धि का उपयोग करो अब। यू नो इट इज ओनली द इल्यूजन ऑफ योर टाइगर मूछ एंड नाउ आई लाइक योर ब्रेव एंड वंडरफुल एडॉर्नमेंट, सेड द ग्रेजी मनी लेंडर। ग्रेजी मनी लेंडर ने कहा कि अब तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम्हारी मूछों की तरह यह मेरी मूछें दिखाई दे रही है, तुम अपनी बड़ी बहादुरी जो दिखा दे रहे हो। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देना, आई वॉन्ट हैव इंसल्टिंग द इंसेजिनिया ऑफ माई ऑर्डर। उसने कहा मैं इस प्रकार का अपमान जो है सह नहीं सकता। सूटेड आजम खान, आजम खान ने कहा यू ब्रिंग दैट टिप डाउन, अपनी मूछों को नीचे करो। आई वुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता खान, इवन यू पाउड ऑल द ज्वेलरी यू पोसेस टू मी, सेड द मनी लेंडर। उसने कहा कि तुम अपनी सारी ज्वेलरी को मुझे दे दो, किसी भी तरह से मैं अपनी मूछों को नीचे नहीं करूँगा। आई वुड रेदर लॉस ऑल माई रिमेनिंग वर्ल्डली पोसेशन, माई पॉट्स एंड पैंस, माई क्लॉथ इन माई हाउस, देन सी द टिप योर मूछें टर्न्ड अप लाइक दैट, स्प्लूटर आजम खान। आजम खान ने कहा यदि मैं अपनी सारी संपत्ति, जायदाद, अपने बर्तन और कपड़े, घर सब तुमको दे दूँ, तब तुम अपनी मूछों को नीचे कर सकते हो, कर लोगे? अच्छा, इफ़ यू केयर सो, अगर तुम इतना ज़्यादा ध्यान देते हो, लिटिल फॉर ऑल, थोड़ी सी वस्तु के लिए, फॉर ऑल योर गोड्स, अपने सारे सामानों का, एंड चैटल यू सेल देम टू मी, तुम उन सबको मेरे पास भेज दो, एंड देन आई सेल दैट टिप ऑफ माई मूछें डाउन, अगर फिर मैं अपनी मूछों को एकदम नीचे करूँगा, सेड द मनी लेंडर। मनी लेंडर ने कहा एंड व्हाट इज मोर, आई सेल कीप ए फ्लैट, अगर मैं इसको सीधा रखूँ, नाउ इज दैट बैड, अब जो है सौदा पूरा हो गया। That seems fair enough, said the landlord from under the tree where he was preparing for siesta. शाम के समय लोग जो है वहाँ पर जमीन सामने उसके लैंड जमींदार और कुछ लोग बैठकर अपना वहाँ गुप चुप कर रहे थे। उन लोगों ने कहा हाँ हाँ बहुत हो गया, बस कीजिए, बस बस कीजिए। But what proof have I had that you will keep your word, said Azam Khan. आजम खान ने कहा लेकिन तुम्हारे कहे हुए शब्दों का क्या प्रमाण है कि तुम सब कहोगे? यो आईली लेंटी लेटर नेवर कीप योर प्रॉमिस, क्योंकि तुम जो ग्रीसी ग्रीस लगा के जो मूछ पर और पालक खाने वाले, तुम्हारे जो वादे का कोई भरोसा नहीं है। दे डीड हेयर एंड नाउ, उसने कहा कि मैं अभी जो है जैसा कहा वैसा करता हूँ, सैड द मनी लेंडर, एंड वी शैल हैव ए साइन बाई ए फाइव एल्डर ऑफ द विलेज हु सीटेड अंडर द ट्री, व्हाट मोर डू यू वांट। उसने कहा कि मैं अभी करूँगा ऐसा जैसा तुम, मैंने कहा है, अभी हम जो है पांच जो है लोगों को यहाँ जो पेड़ के नीचे बैठे हैं, गांव के बड़े लोग, उनको कागज़ पर लिखवा लेते हैं और जैसा कहा वहीं करेंगे। नाउ देयर इज नो कैच इन दैट पुट ऑन द लैंडलॉर्ड एंड आई फोर अदर एल्डर वुड कम टू कोर्ट एज बिजनेस, कोर्ट एज ए विटनेस ऑन योर बिहाल्फ इफ यू डजंट कीप हिज मूछेस टू द गॉड स्टाइल योर ऑफ वर्ड। अब इस प्रकार से लैंडलॉर्ड, जमींदार और चार दूसरे लोगों को मिलाकर दरबार, मतलब कि कोर्ट में जो है साक्षी की तरह बना दिया गया, योर विल हैव तुम्हारी तरफ से, इफ डजंट कीप हिज मूछेस टू गॉड स्टाइल योर ऑफ वर्ड, अब जो है कभी भी मूछ जो है गॉड स्टाइल नहीं रखेगा, योर आफ्टरवर्ड, इसके बाद भी। आई शैल एक्सकम्युनिकेट हिम फ्रॉम रिलीजियस इफ डजंट कीप हिज वर्ड, एडेड द फ्राइस्ट हु हैड अराइव्ड ऑन द सिंस आई हेयरिंग द हम। उसने कहा, आजम खान ने कहा कि मैं जो है इसके बीच में जो है एक धार्मिक आदमी को रखूँगा जो कि पुरोहित था, वह उनकी बातचीत सुनकर आ गया था। अच्छा, एग्रीड आजम खान, आजम खान सहमत होगा। एंड द फोर्थ विथ ही डीड पर पेयर बाई द पेटिशन राइटर ऑफ द विलेज, इस प्रकार से जो है एक दस्तावेज तैयार किया गया और गाँव का एक जो है कल राइटर, लेखक, लिखने वाला, हु सैट स्मोकिंग हिज हबल बबल अंडर ट्री, जो अपने सुलगाते हुए धुआं लेते हुए कस के साथ उसने लिखा भी वृक्ष के नीचे, एंड दिस डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मिंग ऑल हिज हाउस होल्ड गुड एंड चैटल्स वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइव एल्डर ऑफ द विलेज। इस प्रकार से आजम खान की सारी जो संपत्ति थी, घर, मकान, जमीन, जायदाद और अर्तन बर्तन, सबका
दे दिया गया मनी लैंडर का। एंड मनी लैंडर फोर्स विद द मोटिव्स ऑफ द मोसी डाउन एंड कीप देम ग्लोड इन द गोट स्टाइल अप्रोप्रिएट टू हिज ऑर्डर। और फिर उसने जो है अपनी मूछों को नीचे कर लिया मनी लैंडर ने, जो उसका उपयुक्त स्थान था। ओनली एज सून एज खान आजम खान बैक वाज टर्न ही मटर्ड ए पेशेंट सीटेड नियर बी माई फादर वाज सुल्तान। वहाँ जो गया आजम खान, वहाँ जाते हुए बड़बड़ाते हुए अपने मन से किसानों के सामने से, मेरे पिताजी जो है सुल्तान थे। एंड दे लव्ड टू सी खान गिव ए स्पेशल ट्विस्ट हिज मूछेज एज ए वार्ड टू आई मेंटेनिंग द वेलियंट अपराइटेड टू द सिंबल ऑफ हिज इंडियन नोबल फैमिली थ्रू ही हैड बिकम ए पाउपर। तो वो लोग जो बैठे थे पेड़ के नीचे, वह लोग ये खान को देख कर जो है और उसकी मूछों को जाते हुए देख कर उस पर जो है मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि इसने जो है अपनी मूछों के ताव देने के लिए और अपने प्राचीन पूर्वजों की सभ्यता को, पूर्वजों की मान को बनाए रखने के लिए सब कुछ अपना दे दिया सिवाय अपनी दरिद्रता को बचाकर। अबाउट द लेखक मुल्क राज हैं आनंद, 1905 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवलिस्ट, भारतीय जो बहुत ही प्रसिद्ध नॉवलिस्ट है। हु रोट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखे। वाज ब्रोन इन पेशावर, इनका जन्म पेशावर में हुआ था। एंड एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ लाहौर, लाहौर की यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन किया था। लंदन एंड कैम्ब्रिज, लंदन और कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई की थी। हिज नावल इंक्लूडिंग द अनटचेबल, कॉलेज, द स्वॉर्ड एंड द साइकिल्स एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन इंडियन प्रिंस, सेवन समर एंड मॉर्निंग फेस ही आल्सो पब्लिश्ड इन नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। उन्होंने बहुत प्रकार की शॉर्ट स्टोरी को जो है प्रकाशित कराया है। रियल लाइवली सेंस ऑफ ह्यूमर, ए कीन आईज फॉर द पैटेंशन ऑफ द पीपल ऑफ द फिल्म आर कंपेशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। आई थिंक यू लाइक दैट एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर। हेलो फ्रेंड।